जय हिंद, नमस्कार मेरे शेर शेर में स्वागत आप सबका अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली एसएससी जीडी की भर्ती को लेकर है, जिसमें पद बढ़ गए हैं। आप सबने देख लिए होंगे कि जो एसएससी जीडी 2024 वाली वैकेंसी है, इसमें पदों की बढ़ोतरी हो गई है। जो कि 26,000 पदों पर यह वैकेंसी थी, अब बढ़कर 46,167 पदों पर चली गई है। और इसके क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, ये पूरा का पूरा वीडियो इस पर है। जितने भी बच्चे जो इतने दिन संशय में थे कि इस बार कटौत बहुत ज्यादा चली जाएगी, अब उनको राहत मिल गई है। ध्यान रखिए लाडलो, 20,000 पद बहुत होते हैं, यानी 20,000 बच्चे इस बार और ज्यादा ज्वाइनिंग करेंगे। पहले जहां 26,000 कुछ बच्चे ज्वाइन करने वाले थे, अब वहां 46,000 बच्चे ज्वाइन करने वाले हैं। ये वैकेंसी भी पिछली वैकेंसी की तरह लगभग 50,000 को टच कर सकती है और भी बढ़ सकती है आगे चल के 2-4 हजार पद, क्योंकि अगली वैकेंसी की डेट आ रखी थी। तो इससे पूरा का पूरा अनुमान यह लग रहा था कि इस बार वैकेंसी नहीं बढ़ेगी, लेकिन सरकार ने फिर आश्चर्यचकित कर दिया। भाई इलेक्शन होने के बाद भी, इलेक्शन से पहले तो ऐसी घोषणा संभावित है, लेकिन इलेक्शन होने के बाद सरकार ने इतना प्यारा सा गिफ्ट दिया है भाई सभी जवानों को जो फौजी बनने वाले हैं। अब आपको बताते हैं इसका क्या प्रभाव रहेगा, कटौत कितनी आगे बढ़ सकती है और क्या क्या प्रभाव होने वाले हैं। सब सबके लिए जरूरी सूचना भी, अगर आप या आपका कोई भी भाई बंधु अगर एनडीए या एनए की तैयारी कर रहा है, तो पायनियर पब्लिकेशन की तरफ से सबसे शानदार बुक है ये, एक नंबर बुक आप मान के चलिए, गजब की बुक है ये। एंट्रेंस एग्जाम के लिए है और पूरा का पूरा सिलेबस कवर करती है बुक। साथ ही इस बुक के साथ में आपको मिलेगा एक जो टेस्ट है पूरा का पूरा फ्री, आल टेस्ट आपको फ्री मिल जाएंगे इस बुक के साथ में। आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी ऑफलाइन आप किसी नजदीकी अपनी बुक शॉप से खरीद सकते हैं। पहले सबसे पहले अगर हम देखें, पहले जो वैकेंसी थी वो वैकेंसी थी 26,146, अब ये वैकेंसी 46,617 हो चुकी है, यानी लगभग 20,000 से ज्यादा पद बढ़ चुके हैं। देखो बीएसएफ में जो पदों की संख्या बढ़ी है वो बढ़ी है 5,897, सीआईएसएफ में 2,607, सीआरपीएफ में 6,000, एसएसबी में 1,291 पद, आईटीबीपी में 3,098 पद और असम राइफल में 1,500 पद बढ़ गए हैं। सबसे ज्यादा जो पोस्ट पर वैकेंसी बढ़ी है वो बढ़ी है सीआरपीएफ में। क्यों बढ़ी है, क्योंकि पहले जो इसकी वैकेंसी थी सीआरपीएफ की सबसे कम थी, देखो 3,000 के आसपास ही पद थे, इसलिए इस वैकेंसी में बढ़ोतरी ज्यादा हुई है। और सीआरपी आप सबको पता है देश का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स है, समझ गए बात को, इसमें सबसे ज्यादा पद बढ़े। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, जिन्होंने फर्स्ट चॉइस दी है उनपे भी पड़ेगा। यानी अगर आपने मान के चलो सीआरपीएफ फर्स्ट चॉइस दे रखी थी और आपको संशय था कि मिलेगी नहीं मिलेगी, तो अब मिल जाएगी भाई, क्योंकि अब लगभग 9,000 पदों पर सीआरपीएफ आके, ये देखो सीआरपीएफ टोटल 9,410 पदों पर चली गई है। समझो बात को, कितने कितने पद पहले बढ़े, देखो जनरल एरिया में पहले पद थे 13,324, अब ये पद हो गए 24,000 पुरुषों में। नक्सल एरिया में पहले थे 3,700, अब ये पद हो गए 6,615। बॉर्डर एरिया में पहले पद थे 6,322, अब ये पद 10,852, लगभग डबल ही हो गया भाई मामला, लगभग लगभग। अगर हम लड़कियों की बात करें तो पहले जनरल एरिया में लड़कियों के 1,600 पद थे, वो 3,000 पदों में कन्वर्ट हो गए हैं। पहले नक्सल एरिया में 461 पद थे, वो 1,241 पद हो गए। पहले बॉर्डर एरिया में 714 थे लड़कियों के, अब 1,303 पद हो गए, ठीक है। कुल मिला के जो पद पहले 23,000 लड़कों के थे, 23,347, वो अब पद 41,467 हो चुके हैं। और लड़कियों के जो पहले 2,799 पद थे, वो 5,150, यानी लगभग लगभग दुगने पद बढ़ चुके हैं। और इसका फायदा आप सबको होने वाला है, जिन्होंने ये पेपर दिया है, बड़ी मेहनत की, कड़ी मेहनत की, उन सबको इस बार वर्दी मिल जाएगी। और इसका देखो फायदा क्या होगा, मैं आपको समझा दूं कटो पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, फिजिकल की, तो जो बच्चे इतने दिन सोच रहे थे मेरा नंबर नहीं आएगा, वो सावधान हो जाइए, आपका नंबर आने वाला है। क्यों, क्योंकि लगभग 46,000 अगर हम मान लेते हैं बराबर की 46,000 पदों पर वैकेंसी है, 8 गुना बच्चों को पास किया जाएगा फिजिकल के लिए, 8 गुना से 10 गुना, या तो 8 गुना या 10 गुना, क्योंकि पिछली बार 8 गुना किया गया था, इससे पहले 10 गुना। अगर 10 गुना किया जाएगा तो लगभग 4,60,000 बच्चे फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे। जो पहले वाली वैकेंसी को देखे, यानी 26,000, तो होते 2,60,000। अब आप अंतर देख लीजिए, कहां 2,60,000 और कहां 4,60,000, इतना अंतर हो गया है। यानी पहले 2,00,000, 2.5 लाख बच्चे फिजिकल देने जाने वाले थे, अब वहां कितने बच्चे जाएंगे,
अब वहां जाएंगे लगभग 4.5 लाख बच्चे फिजिकल देने के लिए, लगभग 4.5 लाख बच्चे जाएंगे फिजिकल देने के लिए लाडलो, समझ गए बात को, यानी कट ऑफ डाउन जाएगी। अब अगर हम पिछली वैकेंसी की देखें, पिछली वैकेंसी थी लाडलो 50,000 पदों पर, कितने पदों पर, लगभग 50,000, बाद में बढ़कर 55,000 तक चली गई थी, समझ गए बात को। और इसमें जो एज क्राइटेरिया में 3 साल की छूट दी गई थी, इस कारण पिछली मेरिट ऊपर गई थी। इतने दिन हम ये बोल रहे थे कि भाई पिछली बार एज की छूट दी तो पद भी तो ज्यादा थे, तो इस बार भी मेरिट ऊपर जाएगी क्योंकि पद कम है। अब पद लगभग लगभग उसके पास में आ चुके हैं, 46,000 के आसपास में, यानी पूरा पूरा चांस है कि कट ऑफ पिछली बार से कम रहेगी, पिछली बार से कट ऑफ कम रहने के चांसेस हो गए, जो अब तक हम बोल रहे थे कि बढ़ के रहेंगे। क्यों? क्योंकि पद कम थे, अब पद बढ़ गए हैं तो कट ऑफ डाउन आएगी, और काफी डाउन आएगी। अगर आप पिछली बार की फाइनल मेरिट को हिट कर रहे हैं, इसका मतलब आपका श्योर सिलेक्शन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। रनिंग की तैयारी कर लीजिए, जुलाई में आपके फिजिकल होंगे, पक्का है कि जुलाई में आपके फिजिकल शुरू हो जाएंगे, समझ गए आपको। तो यानी अगर आपके कट ऑफ से पिछली बार से नंबर कम है तो भी आप सिलेक्शन की कगार पर है, और मुझे पता आप में से कई ऐसे बच्चे जिनके रो मार्क भी पिछली बार की कट ऑफ से ऊपर है, तो उनका शोर सिलेक्शन है। किसी भी कंडीशन में पिछली बार की कट ऑफ से इस बार की कट ऑफ ऊपर नहीं जाएगी, क्यों? पिछली बार अगर मान के चलो 50,000 पद थे, तो पिछली बार एज का भी 3 साल का छूट दिया गया था, जो 18 से 23 थी वो एज पिछली बार 18 से 26 थी, ओबीसी के बच्चे 18 से 29 पर थे, तो ये जो एज रिलेशन मिला था पिछली बार, जिसकी वजह से मेरिट बहुत हाई चली गई थी, वो डाउन आ जाएगी, क्योंकि पद हो सकता है कि 2-4 हजार पदों की बात है तो और भी बढ़ जाए। इसीलिए जितने भी बच्चे जिनके ठीक ठाक नंबर है, जो निराश होकर बैठे थे, अब उनमें शक्ति आ जानी चाहिए दौड़ने के लिए, समझ गए बात को। यानी कट ऑफ पर बहुत फर्क पड़ेगा, 100% होगा कि पिछली बार की कट ऑफ से इस बार की कट ऑफ नीचे जाएगी, फिजिकली कट ऑफ जो इतने दिन हम बोल रहे थे कि फिजिकली कट ऑफ बढ़ेगी, लेकिन अब नहीं बढ़ेगी, फिजिकली कट ऑफ ज्यादा नहीं बढ़ सकती, बहुत कम चांस है कि बढ़े, मतलब 10% चांस पे आ गई है। हो सकता है कोई एक आधा नंबर तो बढ़ भी जाए कई जिले से, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि पोस्ट ऑफ वैकेंसी ज्यादा है और एज क्राइटेरिया कम है पिछली बार के बजाय। पिछली बार जहां बच्चे 18 से 23 साल के बजाय 18 से 26 साल तक फॉर्म भरे थे, वो इस बार 18 से 23 तक ही भर रहे हैं, तो इसलिए पोस्ट ऑफ वैकेंसी के हिसाब से जो एज ग्रुप है वो छोटा है, इसलिए कट ऑफ पिछली बार से ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम हो चुके हैं। तो अगर आपके नंबर वंस के आसपास है तो तैयार हो जाइए लाडलो। और इसका जो आपकी चॉइस है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, यानी जो आपकी फर्स्ट चॉइस दे रखी थी, अगर उसमें भी मान के चलो, अब जैसे कई बच्चे सीआईएसएफ जिन्होंने फर्स्ट चॉइस दे रखी थी, सीआईएसएफ में ऑलरेडी पोस्ट ऑफ वैकेंसी 11,000 थी, अब और बढ़ गई 2,500, यानी 13,000 वैकेंसी, ऐसा मौका गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई। अब आने वाली जो वैकेंसी है जो 27 अगस्त को आ रही है एसएससीजीडी, वो भी मैं आपको बता दूं बहुत बड़ी वैकेंसी होने वाली है, इससे भी बड़ी। आप सोचिए जब 25,000 पद यानी 20,000 पद जब इसमें बढ़ाए जा रहे हैं, तो अगली वैकेंसी पक्का 50,000 प्लस पदों पर होगी। तो जिन बच्चों के अगर थोड़े बहुत नंबर कम भी है, वो अगस्त वाली वैकेंसी की तैयारी आज से शुरू कर देना लाडलो, निराश होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमारे जितने भी बच्चे हैं ऑफलाइन अकेडमी, जितने बच्चे हैं वो सब एसएससीजीडी की अभी से तैयारी कर रहे हैं, और मैं बोल रहा हूं आपको जब ये वैकेंसी इतनी बड़ी होगी तो अगली वैकेंसी पक्की 50,000 से ज्यादा पदों पर कंप्लीट होगी। हो सकता है अनाउंसमेंट में वैकेंसी कम या ज्यादा आ जाए, ज्यादा भी आ सकती है कम भी आ सकती है, लेकिन फाइनल जब राउंड खत्म होगा तो 50,000 प्लस पदों पर खत्म होगा एसएससीजीडी का। ठीक है लाडलो, बहुत अच्छी न्यूज आप सबके लिए। जय हिंद, जय भारत।